भाई एक सुंदर सा गीत मेरी ओर से होगा। हेलो चेक, हेलो हो किसी गाने वाले ने, जैसे कि हमारे संजय चाचा जी कह रहे हैं, कभी कम न देना, कभी कम न देना, खुशी देने वाले मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले कभी कम न देना, कभी कम न देना, खुशी देने वाले मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले होती है वो स्थान स्वर्ग से बढ़कर है जहां बेटियों की पूजा होती है। हाँ। लेकिन फिर भी आज हमारे समाज के अंदर आप रोजाना नए नए घटनाक्रम देख रहे हैं, कहीं कोई घटना कैसी बन गई, कोई कहीं घटना कैसी बन गई, क्या दिल्ली, क्या बलरामपुर, क्या बुलंदशहर को आ रहे, क्या बलरामपुर बुलंदशहर आजमगढ़ क्या हाथरस को आ रहे, सरे आम पैसी दर ने इन पे जुल्म ढाते जा रहे। आज बेटियों के साथ इतना अत्याचार होता है, सबसे पहला अत्याचार मालूम पड़ जाए गर्भ के अंदर बेटा है उसका स्वागत करते हैं लोग, और मालूम पड़ जाए गर्भ के अंदर बेटी है तो लोग अबॉर्शन करवा के बेटियों को मरवा देते हैं। तो मेरा उन लोगों से कहना है, क्या अगर गर्भ के अंदर सब बेटियों को यूं ही मरवाओगे तो फिर अपने बेटों के लिए तुम बहुएं कहां से लाओगे। आखिरकार वो बहुएं कहां से आएंगी, सीता हो या राम हो, राधा हो या श्याम हो, दोनों ही समान यही भावना जगाइए। अरे सच्चे ये बहन है कुदरत की देन है, बेटा हो या बेटी उसे सीने से लगाइए। कहने को सब कहते हैं
क्योंकि यत्र नारी पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते। जिस घर में नारी की पूजा होती है वहीं पर देवता निवास करते हैं। दूसरी पहेली, रिश्तों की डोर में बंधे हैं जीवन के भाव अनूप, माँ बहन बेटी बहु नारी के चार हैं रूप। चाहे वो माँ बन के बहन बनी, बहन बनने के बाद बेटी बनी, बेटी बनने के बाद फिर माँ बनी, लेकिन एक ही रूप है, वो है कन्या का। आइए सुनेगा। जिन बेटियों को आज हम बुरी नजर से देख रहे हैं, उन बेटियों ने तो हमारे लिए वो काम करके दिखा दिया जो हमारे भारत के बेटे नहीं कर पाए। सौर की कहानी में साची पहलवानी में, ओलंपिक में रंग उड़ा चेहरा के आई है। पीवी सिंधु, साची मलिक, सायना नेहवाल, बेटी हिमा दास, जिसने 20 दिन में 6 गोल्ड मेडल जीतने का काम किया। सौर की कहानी में साची पहलवानी में, ओलंपिक में रंग उड़ा चेहरा के आई है। कस गई है लास्टिक बनी जिमोनास्टिक, भारत की आन बान गहरा के आई है। दिखलाती आईना सिंधु और साइना, जीत की पताका को ठहरा के आई है। अब आपका प्यार और आशीर्वाद तालियों सहित सभी के हाथ ऊपर होने चाहिए, और उन बेटियों के लिए तालियां मांगूंगा जिन बेटियों ने काम कर दिया। जीत की पताका को ठहरा के आई है। अरे बात तो स्वाभिमान की, बेटी हिंदुस्तान की, देख लो तिरंगा झंडा ले आई है। बेटियां तो विदेशों तक तिरंगा झंडा लहरा रही हैं, भारत में नारा चलता है बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ, आंगन की ये है तुलसी इस पे जल चढ़ाओ, बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ। ये गाना बहुत गाया है हमारे गुरुजी ने, बहुत गाना गाया है, लेकिन अब नई बात है, क्या सुनेगा। ये बेदाग दामन दार हो रहा है, ये हम सब चाहते हैं किसी दामन पर दाग ना लगे, लेकिन फिर भी वो दामन दागदार हो जाता है। अरे मेरा पूछना इस समाज से है, ये बेदाग दामन दार हो रहा है, क्यों सुनेगा दादाजी। रोजाना जब रेप केस होते हैं बड़ा अचम्मा होता है, क्योंकि आज अगर किसी के साथ रेप हो रहा है तो वो हमारे तुम्हारे किसी गरीब किसान की बेटी है। मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। उस दिन नया कानून, उस दिन सजा जल्द मिलेगी जिस दिन किसी मंत्री की बेटी के साथ ये सब कुछ होगा। आज हमारे तुम्हारे किसी गरीब माता पिता की बेटी के साथ ये होता है। लोग कहने वाले नहीं होते हैं, लोग अपनी अपनी राजनीति की रोटी सेक करके चले जाते हैं। सुन सुन के रेप केस कांप गया पूरा देश, जुल्म इन जालिमों का लास्ट होना चाहिए। चालान कह रहा हूं संजय चाचा जी, और शायद मुझे विश्वास है पूरे कार्यक्रम की ये चालान सबसे ज्यादा सफल होंगी। सुन सुन के रेप केस कांप गया पूरा देश, जुल्म इन जालिमों का लास्ट होना चाहिए। अरे हाथ तो
है फोड़ दो, फैसले में देरी नहीं, फास्ट होना चाहिए। अगर सजा मिले उस सजा को दिखाया कैसे जाए, आइए मैं कह रहा हूं। दर्द से ये चीख चीख मौत की ये मांगे भी, ना सामने बहन का कोई कास्ट होना चाहिए। ये मत सोचना इसकी ये कास्ट है, इसकी ये कास्ट है। न सामने पेश के कोई कास्ट होना चाहिए। और अगर जिस दिन सजा दी जाए, ऐसे रेप करने वालों को, अत्याचार करने वालों को अगर सजा मेरी अच्छी लग जाए, जो मैं कह रहा हूं इस तरीके से सजा दी जाए, एक बार आशीर्वाद चाहूंगा आपका। फैसले में देरी नहीं, फास्ट होना चाहिए। अरे हसर हर कमीन का, न्याय के उस सीन का, टीवियों पे लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। टीवियों पे लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए, लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। जिस दिन सजा को लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाएगा, उस दिन ऐसी दरिंदगी करने वाला इंसान मन में विचार करेगा कि आखिरकार मैं करूं या ना करूं। इसलिए कहना, क्यों बेटियों पे ये बेटियों पे अत्याचार हो रहा है, बेदाग दामन दाग हो रहा है, बेदाग दामन दाग हो रहा है। ये क्या मुर्बे मेरी छोटी बहन कश्यप सिंह राठौर, जिसका गूगल से आज सिल्वर मेडल घर पर पहुंचा है। मैं चाहूंगा मेरी बहन के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें आप। सिल्वर मेडल बहन कश्यप का आज घर पर गूगल से पहुंचा है, बहुत बहुत धन्यवाद। हो माता पिता की जो लाडली बेटी मौत की गोद में जा करके ले, जो माता पिता की एक लाडली बिटिया हुआ करती है। व्हाट्सएप पर एक इस समय स्टोरी चल रही है, शायद आपने वीडियो देखी हो। एक छोटी सी बेटी होती है किसी के घर में, फिर वो बड़ी होती है, पढ़ लिख करके बाद बड़ी हो जाती है, उसके साथ फिर दुराचार होता है। उसी माँ ने एक दिन खंजर उठा लिया और जिसने दुराचार किया उसके गले को काट दिया। माता पिता की लाडली बेटी मौत की गोद में जा करके लेती, दर्द बाप के सीने के। जब किसी माता पिता के सामने उसकी बेटी की जिद को तार तार कर दिया जाए, दर्द बाप के सीने के, दर्द बाप के सीने के पार हो रहा है। पूछना इतना है क्या, क्यों बेटियों पे अत्याचार हो रहा है, क्यों बेटियों पे अत्याचार हो रहा है, क्यों बेटियों पे अत्याचार हो रहा है। 21 रुपए आदरणीय हमारे चाचा जी की तरफ से मिले हैं और 51 रुपए आदरणीय हमारे निर्णायक मंडल में बैठे हुए आदरणीय दादा जी ब्रजेश सिंह चौहान जी की तरफ से मिले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना है। क्यों सच्चाई कहने में कोई बुराई नहीं है, ना कोई दर्द दिल जब दिल में उठे तब आपकी हालत क्या होगी, जिस बाप के सामने बेटी की इज्जत लुट जाए।
उस बाप की हालत क्या होगी। बछड़े की ऐसी हालत है तो गैया की हालत क्या होगी, जब बेटी की ऐसी हालत है तो मैया की हालत क्या होगी। ये सके ऐसे जुल्मों पर, हमें ऐसे व्यक्तित्व को खोज करके देखना है। लेकिन फिर भी होता क्या है, धरती पे जुल्म बार, ये धरती पे जुल्म बार पार हो रहा है, जो बेटियों पे अत्याचार हो रहा है, जो लोग कहते हैं अपना देश महान है, भारत महान, हिंदुस्तान महान। मैं नहीं मानता। क्यों महान नहीं है? जहां बेटी का जब तक दिल में न सम्मान होगा, जब हमारी एक बहन बेटी का सम्मान ही नहीं है इस देश के अंदर, बेटी का जब तक दिल में न सम्मान होगा तो फिर महान कैसे हिंदुस्तान होगा। तो फिर महान माने तो माने कैसे? हिंदुस्तान महान तो बन जाता है, लेकिन कुछ आज राजनेताओं की वजह से गंदी राजनीति का, गंदी राजनीति का शिकार हो रहा है। महान तो बन जाए मेरा देश, लेकिन क्यों बेटियों पे अत्याचार हो रहा है। आई अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं इस गीत की, और इस समाज से मेरा बस यही निवेदन है, बेटियों को हमें बचाना है, क्योंकि इस देश में इस कारवां को आगे बढ़ाना है। सौ किया दिनेश बहना पुकारे, आज फिर एक बहना की वही पुकार है। क्या? सौ किया ₹100 का आशीर्वाद हमारी माताजी देकर के गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, चरणों में बंदन है, प्रणाम है। क्यों सौ किया दिनेश बहना पुकारे, लाज बचा ले आके मेरे मुरली वाले, लाज बचा ले आके मेरे ra
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।